नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे TET एग्जाम को लेकर। बिहार में अचानक से एक खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि बिहार में BTET को परीक्षा को जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि बाद में सरकार के इस फैसले को लेकर आलोचना होने लगी तो सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि BTET बंद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक परीक्षा निदेशक के अधिकारी के द्वारा जो पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा गया था उसमें BTET बंद करने की बात कही थी। इसके बाद विपक्षी पार्टियों के साथ साथ शिक्षक संघ की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए थे। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर बताया कि इसमें अभी बंद करने की बात नहीं कही जा रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद करने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए CTET और BTET दोनों में से किसी परीक्षा में यानी कि दोनों में से किसी एक परीक्षा में पास होना अभ्यर्थी को जरूरी है और नियुक्ति के लिए अभ्योदय देते रहेंगे। यानी कि आप जो है जैसे छठा चरण सातवां चरण होता है तो ऐसे में अगर आप दोनों में से किसी एक परीक्षा में पास हैं तो आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में अगर हम रिक्तियों की बात कर लें तो इन दिनों परीक्षाओं में पात्र या फिर व्यक्ति संतोषजनक संख्या में पहले से ही उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सरकार छठे चरण की नियुक्ति को पूरा कर तत्काल अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने चाहती है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित करने से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और उसमें और भी विलंब हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। पूर्व की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र की अगले चरण की प्रक्रिया आरंभ करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उपलब्धियों और फिर पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या की समीक्षा कर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसलिए भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखे पत्र में यह कहा गया था कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक परीक्षा के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल 2022 को बुलाई गई बैठक में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। इस लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा हर साल CTET का आयोजन किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित कराने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। साथ ही साथ यह भी लिखा जा गया है कि चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से CTET का आयोजन कराया जा रहा है इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तो एक तरह से कह लें कि शिक्षा मंत्री का अब बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर BTET की परीक्षा ली जाएगी लेकिन वर्तमान में अगर आप CTET पास हैं तो आप छठे और सातवें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह साफ तौर पर कहा गया कि यानी कि जिस तरह की खबरें पहले चलती रही थी और चली जा रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि TET को बिहार में बंद कर दिया गया है उस पर जो है अब बिहार सरकार ने एक अपना बयान जारी किया और उसमें कहा कि उसे बंद नहीं किया गया लेकिन जब ज़रूरत होगी लगेगा कि हमारे यहाँ कम संख्या यानी कि शिक्षकों की संख्या में कमी आ रही है तब फिर BTET का परीक्षा लिया जाएगा और उसमें छात्रों की नियुक्ति कराई जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।